नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज फिर आप सभी के बीच अपने बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी के बीच साझा कर रही हूँ। जी हाँ साथियों, आज मैं फिर सीमा गुप्ता आप सभी के बीच अपने बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी के बीच साझा कर रही हूँ। आप सभी द्वारा प्रायः ये पूछा जा रहा है कि मैडम, क्या समीक्षा अधिकारी परीक्षा में जो आप पास हुई हैं, तो वो क्या आपका प्रथम प्रयास था या द्वितीय प्रयास था? वहीं दूसरी तरफ पूछा जा रहा है कि समीक्षा अधिकारी परीक्षा की जब आप तैयारी की, तो उसके लिए क्या आप रणनीति बनाई, क्या इसके लिए आप अतिरिक्त रणनीति बनाई इस परीक्षा की सफलता के लिए? इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां मैं आप सभी को इस वीडियो में उपलब्ध कराऊंगी। और साथ ही मैं यह भी सोची हूँ कि आप सभी को मैं कुछ ऐसी रणनीति बताती रहूंगी ताकि यदि आप उसको फॉलो करते हैं तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे। तो साथियों, सबसे पहले मैं बताऊं कि मैं 2010 बैच की समीक्षा अधिकारी हूं और मैं प्रथम प्रयास में ही न सिर्फ समीक्षा अधिकारी परीक्षा में सफल हुई बल्कि अपने बैच में मैं टॉपर भी हूं। तो साथियों, जानते हैं कि किस प्रकार मैं प्रथम प्रयास में ही समीक्षा अधिकारी बनी। तो सबसे पहले साथियों आपको बताऊं कि मैं जब समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी आदि से संबंधित परीक्षा से संबंधित वैकेंसी आया, उस दौरान मैं सिविल सर्विस परीक्षा का लगातार मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू दे रही थी। जी हाँ साथियों, जब समीक्षा अधिकारी का परीक्षा का आयोजन हुआ, उस दौरान मैं सिविल सर्विस का लगातार मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार आदि मैं दे रही थी। और उसी दौरान जब यह इस परीक्षा से संबंधित वैकेंसी आया, तो लोगों के बीच, जितने भी हमारे युवा साथी थे, उनके बीच बहुत ही एक्साइटमेंट था और उनके एक्साइटमेंट को देखकर मैं भी इस परीक्षा को देने के लिए एकदम एक्साइटेड हुई कि मैं भी इस परीक्षा को दूंगी। और इसके लिए सबसे पहले मैं सिलेबस को देखी, क्योंकि उस दौरान मेरा इंटरव्यू हो रहा था और समय काफ़ी कम हो रहा था। तो जब मैं सिलेबस का अध्ययन की, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी आदि परीक्षाओं का, तो मैं देखी कि मुझे तो अतिरिक्त किसी भी प्रकार की तैयारी तो करनी ही नहीं है। बस सामान्य हिंदी से संबंधित कुछ ऐसे टॉपिक थे कि यदि मैं रणनीति के साथ आगे बढ़ूं तो निश्चित रूप से सफलता मेरे हाथ आएगी। तो फिर सबसे पहले मैं क्या की कि मैं समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी आदि परीक्षा जो आयोजित होने वाला था 2010 का, उससे संबंधित मैं सिलेबस को पॉइंट टू पॉइंट देखी और उसको अपने हाथ से लिखना आरंभ की, ताकि मेरे दिमाग में टोटली रूप से उस सिलेबस का मानचित्र मेरे सबकॉन्शियस माइंड में बन जाए, ताकि एक भी पॉइंट छूटने ना पाए। क्योंकि यह परीक्षा आपके रणनीति का आधार होता है। यदि आप इस परीक्षा में सही रणनीति बना लेते हैं तो कोई आपको असफल नहीं कर सकता है। जी हाँ साथियों, यह परीक्षा आपकी सफल रणनीति का आधार होता है। यदि आप सही रणनीति बनाते हैं तो ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जो आपको पराजित कर दे। तो साथियों, सबसे पहले मैं इस परीक्षा से संबंधित जो सिलेबस था उसको न सिर्फ देखी समझी बल्कि अपने हाथ से मैं लिखना शुरू कर दी। और उसको लिखने के क्रम में मुझे यह पूरा एहसास हो गया कि इस परीक्षा को मैं बहुत ही आसानी से पास कर सकती हूँ और बेहतर रैंक भी मैं ला सकती हूँ। दूसरी तरफ मैं पत्राचार का अध्ययन कैसे की, ये भी मैं आपको बताती हूँ। मैं पत्राचार का अध्ययन विभिन्न साइटों पर, भारत सरकार, राज्य सरकार के जो सरकारी पत्र थे, उनको मैं बार बार देखी, किस प्रकार सरकारी पत्र लिखे गए हैं, किस प्रकार अर्थशास्त्रीय पत्र लिखे गए, कैसे परिपत्र लिखा गया है, कैसे अनुस्मरण लिखा गया है, इन सभी खाकों को मैं अपने दिमाग में उतार ली और डेली एक पत्र का मैं खाका बनाती रहती थी। और एक नियोजन की थी कि प्रत्येक सैटरडे या संडे को मैं एक निबंध जरूर लिखूंगी। और निबंध की तैयारी के लिए मैं योजना, कुरुक्षेत्र पत्रिका के साथ साथ जो दैनिक समाचार पत्र होते हैं उसके महत्वपूर्ण टॉपिक को मैं कवरअप करती थी। चूँकि उस दौरान इंटरनेट की इतनी अच्छी सुविधाएँ नहीं थी, इस कारण प्रतियोगिता दर्पण क्रॉनिकल की जो योजनाएँ होती थी, भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा जो चलाई जाती थी, उनको मैं छाटती थी और अपने निबंध के हर एक टॉपिक पर एक बिंदुवार उसके लिए नोट्स बनाती थी
और फिर उस नोट्स को मैं बार बार पढ़ती थी, बार बार उस पॉइंट को रखती थी, ताकि यदि उससे संबंधित कोई भी निबंध आए तो मैं उस तथ्यात्मक पॉइंट को मैं अपने निबंध में समायोजित कर सकूं। और चूंकि बचपन से ही मेरी रुचि साहित्य में रहा, इसलिए मुझे स्लोगन बनाने में किसी प्रकार की समस्या नहीं रही है। तो इस वजह से मैं निबंध की जब शुरुआत करती थी तो एक पॉजिटिव स्लोगन से आरंभ करती थी, और बीच बीच में मैं स्लोगन भी लिखा करती थी, ताकि एक हमारी जो अंतरात्मा है समाज के सुधार के लिए, युवाओं को आत्मनिर्भर, रोजगार संपन्न और देश के समावेशी विकास के लिए, वो हमारा व्यक्तित्व हमारी निबंध में देख सके। तो साथियों, इस प्रकार मैं अपनी तैयारी की रणनीति को आयाम दी। चूँकि सामान्य अध्ययन की तैयारी मेरी ऑलरेडी हो चुकी थी इस वजह से मैं सामान्य अध्ययन पर बहुत ज़्यादा जोर नहीं दी, क्योंकि कहीं से भी मेरे सामान्य अध्ययन में कमी नहीं रह गया था। बस जो कमी था वह हिंदी में था, और हिंदी के लिए मैं प्रतिदिन 1 से 2 घंटा निकाली थी। हर एक टॉपिक को छोटे छोटे बॉक्स में बनाकर उसको मैं रटना आरंभ कर दी थी, ताकि एक क्वेश्चन मेरा छूटे नहीं। और थैंक्स टू गॉड कि एक भी क्वेश्चन मेरा हिंदी में गलत नहीं हुआ। और इसी प्रकार जो मैं निबंध लिखे वह भी काफ़ी बेहतर था, जिसका परिणाम रहा कि मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में न सिर्फ समीक्षा अधिकारी परीक्षा को पास की, बल्कि अपने बैच की टॉपर भी बनी। तो साथियों, आज मैं आपको बताई इस वीडियो के माध्यम से कि मैं प्रथम अटेम्प्ट में ही समीक्षा अधिकारी परीक्षा को पास की हूँ, और बहुत ही रणनीति के साथ, आसान लक्ष्य के साथ। तो साथियों, आप सभी को मेरे द्वारा ऐसे महत्वपूर्ण टिप्स दिए जा रहे हैं जो मेरे जीवन के महत्वपूर्ण अनुभव का परिणाम है। आप सभी को यही कहना है कि यदि आप आईएएस पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो अवश्य ही समीक्षा अधिकारी की परीक्षा दीजिए, और यदि आप समीक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं तो जरूर आईएएस पीसीएस परीक्षाओं के साथ साथ आप अन्य वनडे जो एग्जाम है उसको भी दीजिए। क्योंकि हम सभी युवाओं का यह कर्तव्य होना चाहिए कि सबसे पहले हम आत्मनिर्भर, रोजगार संपन्न हो, उसके बाद हम एक अपने जो नेक्स्ट जो ड्रीम होता है उसको अचीव करने की ओर आगे बढ़े। चूंकि मैं समीक्षा अधिकारी परीक्षा जब दी, उस दौरान मैं सिविल सर्विस की तैयारी कर रही थी और लगातार मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू भी दे रही थी, और इसी दौरान मेरी ज्वाइनिंग उत्तर प्रदेश सचिवालय में हुआ, और यहाँ का जो कार्य संस्कृति था, एटमोस्फियर था, मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और इस वजह से मैं इस पोस्ट से बहुत ही संतुष्ट हुई, और मैं डिसाइड की कि मैं अब सिविल सर्विस की तैयारी नहीं करूँगी, क्योंकि मेरा जो रैंक था वह भी बेहतर था, और जो गैप पीरियड था 2001 से 2010 के बीच, और यहाँ पर जो भी पदोन्नति होता है वह ऊपर के रिक्तियों के सापेक्ष होता है। इस वजह से मैंने डिसाइड किया कि मैं इसी सेवा में रहूंगी, क्योंकि यहाँ का जो एटमॉस्फेयर था बेहतर था, ट्रांसफ़र का कोई प्रॉब्लम नहीं था। दूसरा, इस सर्विस में स्टेबिलिटी बेस्ट, अदर हैंड जो आप देखेंगे कि यहाँ की जो फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाती है शासन के अधिकारियों को, वो भी बेस्ट है। इन सभी कारणों से मैं निर्णय की कि मुझे अब सिविल सर्विस परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि टोटल फैसिलिटी मुझे अपने इस पद से मिल रहा था, बल्कि स्टेबिलिटी एक्स्ट्रा मिल रहा था। इस वजह से साथियों, मैं समीक्षा अधिकारी परीक्षा में पास कर अपने इस पद से बहुत ही संतुष्ट हूँ। और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताई कि यदि मैं प्रथम अटेम्प्ट में समीक्षा अधिकारी बन सकती हूँ तो फिर आप क्यों नहीं बन सकते हैं। जी हाँ साथियों, जब मैं समीक्षा अधिकारी प्रथम अटेम्प्ट में बन सकती हूँ तो फिर आप क्यों नहीं बन सकते हैं, क्योंकि अब तो बारी आपकी है। जी हाँ साथियों, अब तो बारी आपकी है, बस आप थोड़ा सा प्रयास करिए रणनीति के साथ। मैं आप सभी के लिए हमेशा एक जहाँ मार्गदर्शन, रणनीति और मोटिवेशनल क्लासेस आप सभी के बीच ला रही हूँ, ताकि आप अपने दृढ़ इच्छा शक्ति को लगातार बढ़ाते रहिए, बल्कि दूसरी तरफ आप सभी के लिए स्टडी सामग्री भी उपलब्ध करा रही हूँ, जो कि आप सभी के सफलता के लिए वरदान साबित होगा। तो साथियों, इसी महत्वपूर्ण संदेश के साथ कि यह मेरा प्रथम अटेम्प्ट था और मैं 2010 बैच की समीक्षा अधिकारी, और मैं बहुत ही सहजता के साथ न सिर्फ इस परीक्षा में पास की, बल्कि अपने बैच की टॉपर भी स्थापित हुई थी। इसी के साथ मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी से विदा लेती हूँ। नमस्कार।